हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बिल्डिंग की डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, जिसे आपको इस बिल्डिंग में कौन कौन से रूम मिल जाएंगे, रूम के डायमेंशन के साथ, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और सारा एलिवेशन डिज़ाइन भी मिल जाएगा और 3DS मैक्स का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फ्लोर प्लान या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन पसंद आता है तो आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उसके साथ साथ मैं पिन कमेंट भी करूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले इसका ओवरऑल डायमेंशन आप देख सकते हो, 22 फीट x 38 फीट के अंदर रहेगा। और इसके जो डिटेल्स है, जैसे आपको फ्रंट से हमने एक डोर दे रहा है, मेन एंट्री दी हुई है। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरफ से भी दे सकते हो, ये आप पे रहता है, आप जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक अंदाजे के हिसाब से मैंने यहाँ पर मेन डोर इस तरफ से दिया है। यहाँ पर कारपोच है, उसके साथ यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन के अगर हम बात करते हैं, 9 फीट x 11 फीट का एक कारपोच दिया हुआ है। कारपोच से हमने एक विंडो भी प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर मेन एंट्री दी हुई है, मेन एंट्री सीधा डाइनिंग हॉल में जाती है। उसके साथ 10 फीट 6 इंच x 16 फीट का एक मेन हॉल है, जहाँ पर आप डाइनिंग वगैरह कर सकते हो या फिर आप लिविंग हॉल भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप डाइनिंग हॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक स्टेयर केस हॉल मिल जाएगा, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमने ओपन डोर दिया हुआ है और ये पैसेज जो हमने, इसको आप जैसे चाहे उसको कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप डाइनिंग कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर आपको हॉल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डायमेंशन है 10 फीट x 10 फीट का। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने पूजा हॉल भी प्रोवाइड किया है 6 फीट x 6.5 का। और ये यहाँ से एंट्री रहेगी। डाइनिंग रूम से यहाँ पर एक डोर दिया हुआ है जो कि किचन रूम को जाता है, 9 फीट x 6.4 फीट का किचन है। और वॉशिंग एरिया जो है पीछे की तरफ पूरा एक पैसेज की तरह दिया हुआ है। और इस तरफ से डाइनिंग रूम से एक बेडरूम दे रखा है। बेडरूम का साइज 11 फीट x 10 फीट का है। उसके साथ बेडरूम में हमने टॉयलेट दिया हुआ है 5 फीट x 6.5 का। ठीक है, तो ये था ग्राउंड फ्लोर एरिया। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की। तो फर्स्ट फ्लोर में भी बिल्कुल सेम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर में है उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर में भी दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये आप चाहो तो आप लोड बेरिंग वॉल में बांध सकते हो या फिर आप इसको RCC स्ट्रक्चर में भी बांध सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर आते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो डाइनिंग हॉल, जो मैं कंसिडर करूँगा हॉल को। और यहाँ पर इसका डायमेंशन जो है 10 फीट x 16 फीट का दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक किचन रूम है, अगर आप रेंट पे देना चाहते हो तो सेम एज आप बना सकते हैं या फिर आप इसको बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो बेडरूम का साइज 9 फीट x 9.2 है। उसके साथ साथ एक और बेडरूम है 11 फीट x 10 फीट का। यहाँ पर इस बेडरूम को हमने अटैच बाथ दिया है 5 फीट x 6.5 का। और उसके साथ यहाँ पर पूजा रूम भी दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको पूरा आप डाइनिंग रूम में कंसिडर कर सकते हो, ये वॉल हटा कर। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बेडरूम है जिसका साइज़ 10 फीट x 9.8 का है। और इस बेडरूम को हमने बालकनी दे रखी है, सामने की तरफ विंडोज़ वगैरह प्रोवाइड किया है। इस तरफ विंडो है और यहाँ पर भी हमने विंडो दे रखी है। ठीक है, इस बेडरूम को पीछे की तरफ बालकनी है और इस बेडरूम को यहाँ पर अटैच बाथ है। बिल्कुल सिंपल सा एक फ्लोर प्लान है। और अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो। DWG फॉर्मेट में मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूँगा और वहाँ से आप जैसे चाहे एडिट कर सकते हो, जैसे चाहे एरिया छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट एलिवेशन जो कि ड्राॅइंग में हमने बनाया है। और अगर आपको इसमें कुछ डायमेंशन वगैरह चाहिए तो आप DWG फाइल से आप डायमेंशन ले सकते हैं लीनियर से। ठीक है, सिंपल सा है। अगर ऑटोकैड आप यूज़ करते हो तो आप जैसे चाहे जितना चाहे डायमेंशन है वो डायमेंशन आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक और 3DS मैक्स का फॉर्मेट जो कि 3D HD इमेज में हमने बनाया है और इसको भी आप एडिट करना है तो कर लेना। इसमें हमने कुछ टेक्सचर वगैरह, आपको अगर पसंद नहीं आता है, एलिमेंट्स वगैरह पसंद नहीं आता है तो आप उसको ईजिली आप 3DS मैक्स फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। उसके साथ टेक्सचर और कलर कॉम्बिनेशन के लिए वीरे फॉर्मेट भी आपको दिया गया है, वहाँ से आप इजीली अपने लिए बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पीस।